नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोको X6 5G वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X6 5G में 6.32 इंच जबकि 40 Pro Plus 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.93 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो X6 5G में 181.2 ग्राम जबकि 40 Pro Plus 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि X6 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X6 5G में AMOLED जबकि 40 Pro Plus 5G में फ्लेक्सिबल AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X6 5G में 6.67 इंचेस जबकि 40 Pro Plus 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X6 5G में 1220x2712px FHD जोड़ और 40 Pro Plus 5G में 1080x2436px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X6 5G में 90.05% जबकि 40 Pro Plus 5G में 89.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X6 5G में 446 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 40 Pro Plus 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X6 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 40 Pro Plus 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X6 5G में 19 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 40 Pro Plus 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 40 Pro Plus 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X6 5G में Adreno 710 जबकि 40 Pro Plus 5G में IMGBXM8-256 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X6 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और 40 Pro Plus 5G में MediaTek Dimensity 7020 मिलता है। बात करें RAM की तो X6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 12GB, 12GB की RAM मिलती है, जबकि 40 Pro Plus 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB, 256GB, 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 40 Pro Plus 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो X6 5G में नहीं है, जबकि 40 Pro Plus 5G में है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो X6 5G में Android V13 जबकि 40 Pro Plus 5G में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी X6 5G में 5100 mAh जबकि 40 Pro Plus 5G में 4600 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
X65G में 3 कलर्स जबकि 40 Pro Plus 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X65G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹18,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹23,999, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ ₹21,999 में मिलता है। और बात करें 40 Pro Plus 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹25,690 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो पोको X6 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 40 Pro Plus 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X6 5G आगे है, मेन कैमरा में 40 Pro Plus 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो रीनो 11 5G है, दूसरा पोको X6 Neo 5G है, तीसरा Realme Nazo 70 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo T3 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।